बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल सलमान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो नेक्सा ब्लॉकचेन के ऊपर न्यू साइन अप कर रहे हैं और साइन अप करते हुए उनके साथ मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स अकाउंट क्रिएट करने में आ रही है वो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि जब आप अपने अकाउंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास जो ये एरर आ जाता है, या सबमिट पे क्लिक करने से पहले ही आपके पास ये एरर आ जाता है। उसके अलावा आप लोगों के पास ये प्रॉब्लम भी आ रही होगी, ट्रांजेक्शन एरर। तो अब इन दोनों की दोनों प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व आउट करना है, इसके लिए आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि तमाम मेथड को आप आसानी समझ सकें। अब इन तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने से पहले चंद बातें आप लोगों को बताने वाला हूँ। इन बातों को आपने जहन नशीन कर लेना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि यहाँ पर नेक्सा ब्लॉकचेन के ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करें या ना करें। सबसे पहले तो देखिए, नेक्सा ब्लॉकचेन के ऊपर अच्छी अर्निंग करने के लिए, ज़्यादा अर्निंग करने के लिए आपकी टीम होनी चाहिए जो आपके रेफरल लिंक के साथ ज्वाइन कर सकें, और जब वो आपके रेफरल लिंक के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट हासिल होगा। नंबर टू, अगर आपके पास टीम नहीं है, आपके पास मेंबर्स नहीं है जो आपके रेफरल लिंक्स के थ्रू यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकें, तो फिर आपका यहाँ पर वर्किंग करना बेकार है, यहाँ पर दिमाग खपाना बेकार है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ पर अकाउंट ना बनाएं, मेरे चैनल के ऊपर विजिट कर लें, वहाँ पर प्ले लिस्ट के ऑप्शन में चले जाएँ, वहाँ पर आपको बेशुमार फ्री माइनिंग प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, उन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर लें, वहाँ से आप फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उन दोनों को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी मैं आपको बेशुमार प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता रहता हूं। जो प्लेटफॉर्म मैं आप लोगों को यहां पर यूट्यूब चैनल के ऊपर आकर प्रोवाइड नहीं कर पाता, वो तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स मैंने अपनी कम्युनिटी को, यानी जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर है, उन लोगों को प्रोवाइड किए हैं और उन लोगों ने वहां पर अकाउंट क्रिएट किए हैं और वहां से माइनिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में उनको अच्छा प्रॉफिट हासिल हो सकता है। और कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां से हम अर्निंग करके विड्रॉ भी करवा चुके हैं। बहरहाल, आप लोगों का माइंड और ज़्यादा फ्रेश करने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको 1000 टोकन जो है वो बोनस के तौर पे दे दिए जाते हैं। इन 1000 टोकन का विड्रॉ नहीं करवा सकते, ये स्टेकिंग के ऊपर लगेंगे, और जब ये स्टेकिंग के ऊपर लगेंगे तो यहाँ पर आपका टाइम शो हो जाएगा 24 आवर के बाद। आपने क्लेम नाउ के ऊपर क्लिक करना है, जैसे क्लेम नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके NXB होने चाहिए, वो NXB आपकी ट्रांजेक्शन फीस के तौर पर कटेंगे, और उसके बाद जब आपका क्लेम कम्प्लीट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगी, तो आपको 7 टोकन दे दिए जाएंगे, और इन 7 टोकन की पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक अगर मालियत देखी जाए तो तकरीबन 25 से 26 या 28 रुपये या 30 रुपये बनती है। तो आप 25, 26, 28, 30 रुपए के लिए अगर इतना दिमाग खपा रहे हैं तो मेरा मशवरा यह कि यहाँ से इस प्लेटफॉर्म को छोड़ दें और दूसरे माइनिंग प्लेटफॉर्म तलाश करके वहाँ पर माइनिंग स्टार्ट करें और फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपके पास टीम है जो आपके रेफरल लिंक के थ्रू यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करें, और जो जो प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया, तो उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ इन ट्रिक्स को आपने यूज़ करना है। और अगर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो ठीक है, और अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता तो फिर आपने छोड़ देना है, आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आपको नेक्स्ट अपडेट मिल जाएंगी कि आप किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करें और वहाँ पर क्या क्या सेटिंग करें। तो जो मैं आप लोगों को प्रोसेस बताने वाला हूँ इस प्रोसेस को सिर्फ एक मरतबा ट्राई करें, अगर अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो ठीक है, अगर अकाउंट क्रिएट नहीं हो जाता तो उसके बाद आपने वेट करना है। अगर आप मेटामास्क के थ्रू अपना नेक्सा ब्लॉकचेन का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो पहले मैं आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना बताऊंगा, उसके बाद अगर आप एनी क्रिप्टो के जरिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और आपके साथ यही प्रॉब्लम्स आ रही है तो एनी क्रिप्टो में आपने किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। अब सबसे पहले तो इस एरर के बारे में जान लेते हैं। अगर आपके पास ये एरर शो हो रहा हो, चाहे आपके मेटामास्क के ऊपर शो हो रहा हो, चाहे आपके एनी क्रिप्टो के ऊपर शो हो रहा हो, तो इस एरर का क्या मतलब है, इस एरर को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपके पास ये एरर शो हो रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका अकाउंट जो वो क्रिएट हुआ हुआ है लेकिन चंद सेटिंग की वजह से आपका अकाउंट जो वो स्टॉप हुआ हुआ है। तो जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ आप वो सेटिंग कर ले, इंशाल्लाह ताला आपका अकाउंट जो है वो करेक्ट तरीके से लॉग इन भी हो जाएगा और आप वहाँ पर वर्किंग भी कर सकेंगे। इस एरर को ख़त्म करने के लिए जब आपका यहाँ पर ये एरर शो हो रहा होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने आ जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग के ऊपर, और सेटिंग के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको एक नेटवर्क का ऑप्शन शो हो रहा होगा, आपने नेटवर्क के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको नेक्सा ब्लॉक मेन नेट का जो नेट शो हो रहा होगा आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी सेटिंग आपने की भी होगी। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस नेटवर्क को डिलीट
कर देना है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऐड नेटवर्क का ऑप्शन शो होगा, आपने ऐड नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कस्टम नेटवर्क का ऑप्शन शो होगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने नए तरीके से नेटवर्क नेम, आरपीसी यूआरएल, चैन आईडी, सिंबल और इसके बाद ब्लॉक एक्सप्लोर यूआरएल, ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करनी है। आप लोगों को ऐड करना आती होंगी क्योंकि आप लोगों को पिछली वीडियोज़ के अंदर मैं तमाम चीज़ें बता चुका हूँ। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें आपने ऐड करनी है वो आपको मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगी। वहाँ पर आकर आपने उनको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके यहाँ पर उन चीज़ों को आपने पेस्ट करना है। और अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आप मेरे चैनल के ऊपर विजिट करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन में चले जाएं, नेक्सा ब्लॉकचेन वाली प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सबसे फर्स्ट जो वीडियो उसके अंदर ये प्रोसेस मौजूद है। तो सिंपली यहाँ पर तमाम डिटेल में ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद एक्स प्रोसेस आपको समझाता हूँ। सिंपली सारी की सारी चीज़ें ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास ऐड का ऑप्शन शो होगा, आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है, स्विच टू नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपका जो यहाँ पर दोबारा से मेननेट ऐड हो चुका है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है वापस सेटिंग के ऑप्शन के अंदर। सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन नजर आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, क्लियर प्राइवेसी डेटा, क्लियर ब्राउजर हिस्ट्री, क्लियर ब्राउजर कुकीज। इन तीनों पर स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके आपने क्लिक करना है और इनको कर देना है क्लियर। जैसे आप इनको क्लियर कर देंगे तो उसके बाद ये सेटिंग के ऑप्शन के बराबर में ब्राउजर ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपल यहां पर सर्च और टाइप यूआरएल को ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने यहां पर वो लिंक पेस्ट कर देना है जिसके लिंक के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट कर रहे थे और आपके पास वो वाला एरर आ रहा था जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। यहां पर आपने याद रखना है वही लिंक पेस्ट करना आपने, और इधर उधर से लेकर किसी और का लिंक पेस्ट नहीं करना, चाहे आप मेरा लिंक यूज कर रहे हो चाहे किसी का भी लिंक यूज कर रहे हो, तो वो लिंक आपने यहां पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद यहां पर नीचे आपके पास ये लिंक आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आपने प्रोसेस कंप्लीट होने का इंतजार करना है। अब आपके पास ये पेश हो जाएगा, सिंपली ये ऊपर टॉप पर कनेक्ट वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपने मेटामास्क को सिलेक्ट कर लेना है। मेटामास्क को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने कनेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसेस कंप्लीट होने का इंतजार करना है। अब जहां पर भी आपका अकाउंट स्टॉप हुआ होगा वो आपके पास पेजेस शो होते जाएंगे और उनको स्टेप बाय स्टेप आपने कंप्लीट करते जाना है, आपका अकाउंट इंशाल्लाह ताला लॉग इन हो जाएगा। और ये तमाम सेटिंग करने के बाद भी अगर आपके पास प्रॉब्लम आ जाती है और वही आपके पास मैसेज शो हो जाता है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से बैक चले जाना है और बैग जाने के बाद आपने इंतजार करना है। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपडेट दूंगा, तो उसके बाद आपने अपने अकाउंट्स को क्रिएट करना है। अब बात ये कर लेते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट क्रिएट करते हुए ये वाला ऑप्शन शो हो रहा है, रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 400, तो इस प्रॉब्लम को आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपके पास यहाँ पर वो एरर शो हो रहा हो तो अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि यहाँ पर देखें ऊपर आपको ये आपका अकाउंट लॉगिन हुआ होगा, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज शो हो जाएगा और यहाँ पर जितने भी आपके अकाउंट लॉगिन हुए होंगे वो यहाँ पर शो होंगे। अभी मेरा एक ही अकाउंट लॉगिन हुआ हुआ है, तो आपने वन बाई वन करके सबके ऊपर क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद तो ये मेरा पेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको थ्री डॉट नजर आ रहे होंगे, आपने थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने लॉग आउट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लॉग आउट करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आना है और सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आने के बाद और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आने के बाद आपने स्क्रूल करके ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद यहाँ पर क्लियर प्राइवेसी डेटा, ब्राउजर हिस्ट्री और ब्राउजर कुकीज, इन तीनों को आपने कर देना है क्लियर। क्लियर करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास वही फ्रेश पेज शो हो जाएगा, वहीं पर आपने सर्च बार के अंदर उसी लिंक को पेस्ट करना है जिसके लिंक के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता है कि आपने क्या क्या करना है। तो तमाम की तमाम सेटिंग करने के बाद भी आपके पास दोबारा यही वाला एरर शो हो जाता है तो आपने क्या करना है, यहां से वापस बैक चले जाना है और नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करना है। नेक्स्ट अपडेट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, दोनों के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब बात ये करते हैं कि अगर आपके साथ ये तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स एनी क्रिप्टो के ऊपर आ रही हो तो वहाँ पर आपने क्या करना है। मैं आ चुका हूँ एनी क्रिप्टो के ऊपर, एनी क्रिप्टो के अंदर आने के बाद मैं ब्राउजर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही ब्राउजर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखें ये तमाम के तमाम जो मैंने सर्चिज वगैरह करी और जो अकाउंट वगैरह क्रिएट किए वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपने क्या सेटिंग करनी है कि आपका अकाउंट जो वो करेक्ट तरीके से लॉग इन हो जाए और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाए। आपने ये करना है कि आपने इस अकाउंट का जो सीक्रेट फ्रेज वगैरह आपने अपने पास सेव करके रखे हुए होंगे, जो सीक्रेट कोड सेव करके रखे हुए होंगे, वो आपने एक दफ़ा तसल्ली कर लेने कि आपके पास महफूज हैं या नहीं है।
उसके बाद आपने यहाँ से बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद ये जो एनी क्रिप्टो की एप्लीकेशन है इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ऐप इन्फो के ऊपर जाना है। ऐप इन्फो के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आपके पास स्टोरेज का ऑप्शन शो होगा। स्टोरेज के ऑप्शन के ऊपर आने के बाद यहाँ से आपने इसको क्लियर स्टोरेज कर देना है। क्लियर स्टोरेज करने के बाद आपने अगेंस्ट इस एप्लीकेशन के ऊपर लॉगिन होना है। अपने सीक्रेट फ्रेज और सीक्रेट कोड वगैरह देकर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद आपके पास इस तरीके का पेज शो होगा। अब सिंपली जिस तरीके से आप न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने उन्हीं प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम प्रोसेस को करते हुए चलना है। आपका अकाउंट कामयाबी के साथ क्रिएट हो जाएगा। अगर फिर भी आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता तो यहाँ पर भी आपने ये करना है कि यहाँ से बैक चले जाना और नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करना है। मैंने आपको दोनों सिचुएशन बता दी कि अगर आप मास्क के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपने उनको किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। इसके अलावा अगर आप एनी क्रिप्टो के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं और आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है तो आपने एनी क्रिप्टो में इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व आउट करना है। उसके अलावा अगर दोनों के ऊपर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और आपको जो मैंने ट्रिक बताई है ये ट्रिक काम नहीं करती तो उसके बाद आपने यहां से बैक चले जाना और यहां पर दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी। आपने नेक्स्ट अपडेट का इंतजार करना है, और नेक्स्ट अपडेट आपको मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और अगर मुझे टाइम मिला तो आपको YouTube चैनल के जरिए भी गाइड कर दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।